गरीब रामदीन की होली। एक गांव में रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, जिस वजह से वो दूसरों के खेतों पर मजदूरी करने के लिए जाया करता था और उसी से अपने परिवार को पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लाजो और उसकी बेटी मीनू थी। एक बार रामदीन काम पर जा रहा था, तभी उसकी पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, होली आने वाली है तो कुछ रुपए ज्यादा ले आना, जिससे घर का सामान आ जाएगा। वैसे भी राशन खत्म हो गया है। मुझे पता है कि राशन खत्म हो गया है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करके इंतजाम करता हूँ। पिताजी मुझे भी होली पर पिचकारी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे होली खेलते हैं और मेरा भी मन होता है, तो इस बार मुझे भी पिचकारी चाहिए, चाहिए तो चाहिए। मुझे पता है मीनू कि तुम्हारा मन होता है, पर तुम मेरी मजबूरी समझो। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए जरूर पिचकारी लाएगा। और इसके बाद रामदीन काम करने के लिए खेतों पर चला गया और खेतों में आकर काम करने लगा। तभी वहाँ पर हरिया आया और उसने रामदीन से कहा, अरे भाई कैसे हाल चाल है तुम्हारे? क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है कि पूरे दिन काम करने के बाद भी हमें उतने रुपए नहीं मिल पाते जितने मिलने चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जमींदार बहुत ही कंजूस है, जिस वजह से वो हमें कम रुपए देता है। पर क्या करें, काम तो मिल ही रहा है। वैसे होली आने वाली है, तुमने क्या सोचा है? सोचना क्या है, मेरी बेटी कह रही थी कि उसे पिचकारी चाहिए और घर का अब सामान भी खत्म हो गया है, तो वो भी लाना है। अब जमींदार इतने रुपए दे दे कि मैं अपने परिवार की इच्छा पूरी कर सकूं, जिससे वो लोग धूमधाम से होली मनाएं। वैसे भी होली एक बार आती है। हाँ भाई कह तो तुम ठीक ही रहे हो, मेरे बच्चे भी रंग और पिचकारी की जिद कर रहे थे। अब पता नहीं, देखें क्या होता है। मुझे नहीं लगता ये जमींदार हमें होली चैन से मनाने देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना धैर्य नहीं खोऊंगा। वैसे भी हम लोग अमीरों की होड़ नहीं कर सकते, वो बड़े लोग हैं और हम छोटे। हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, पर इन अमीरों को भी तो सोचना चाहिए कि गरीबों का भी घर होता है, तो उन्हें समय पर रुपए दे दिया करें। तुम देख रहे हो ना, दो दिन के रुपए अभी तक नहीं दिए हैं। तभी वहां पर जमींदार आ गया और उन दोनों को इस तरह बातें करता देख उन दोनों से कहा, क्या हो रहा है, आजकल काम धंधा तो करते नहीं हो और रुपए की बात कर रहे हो। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वैसे भी अभी तुम लोगों ने आधे खेत का भी काम पूरा नहीं किया है। इस बार मैं तुम्हें तभी रुपए दूंगा जब तुम पूरे खेत का काम कर लोगे। पर मालिक होली आने वाली है, यदि होली तक खेत का काम नहीं हो पाया तो क्या आप रुपए नहीं दोगे? नहीं देने वाला पैसे, वैसे भी तुम लोग कामचोर हो गए हो, मुझे कुछ नहीं पता। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें होली पर रुपए चाहिए या नहीं। और ये कहकर जमींदार वहां से चला गया, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा दुखी हो गए। और रामदीन ने कहा, हे भगवान, आप हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? क्या हम गरीबों का दिल नहीं होता है जो आप हमें इतना कष्ट देते हैं? और ये कहकर वो फिर से काम में लग गया। उसने पूरे दिन मेहनत की, क्योंकि उसे होली पर अपने बच्चे की इच्छा पूरी करनी थी। समय तेजी से गुजर रहा था, पर अभी तक उन्होंने काम पूरा नहीं कर पाया, जिस वजह से रामदीन काफी दुखी था, क्योंकि होली के दिन भी पास आ रहे थे। होली के दो दिन पहले रामदीन ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है इस बार हम लोगों की होली अच्छी नहीं जाएगी। क्यों, क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि जमींदार कितना कंजूस है, उसने कहा है कि यदि रुपए चाहिए तो पूरे खेत का काम करो, पर अभी आधे खेत से थोड़ा ऊपर ही हो पाया है और मुझे नहीं लगता है कि दो दिन में पूरे खेत का काम हो पाएगा। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो हम अपनी होली अच्छी तरह मना लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि रुपए ही हो, मेरे लिए तो अपना परिवार जरूरी है। ये सुनकर रामदीन खुश हो जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे लिए परिवार जरूरी है, पर मुझे अपनी बेटी की भी तो ख्वाहिश पूरी करनी है, देखते हैं अब होली पर क्या होता है। और ये कहकर वो खेत पर चला जाता है। खेत पर आने के बाद हरिया और रामदीन ने मिलकर एक योजना बनाई और उसी पर काम करने लगे। उन्होंने खेत पर दिन रात काम किया, जिससे उनके खेत का काम लगभग खत्म होने को आ गया। और होली वाले दिन रामदीन जमींदार के पास गया और उससे बोला, मालिक हमने खेत का काम कर दिया है, अब आप रुपए दे दीजिए, आज होली है। पर अभी तो थोड़ा काम बाकी है, पहले वो पूरा करो तभी रुपए मिलेंगे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था
पर मालिक आज होली है और मेरी बेटी रंग और पिचकारी लेना चाहती है। अगर आप रुपए नहीं दोगे तो मैं कहां से लेकर आऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता। यदि तुम होली मनाना चाहते हो तो पहले खेत का काम पूरा करो जाकर। वैसे भी थोड़ा ही काम बचा है। मुझे पता है यदि तुम्हें रुपए दे दिए तो तुम बाद में काम पर नहीं आने वाले हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मालिक? भला मैं आपसे बेईमानी कैसे कर सकता हूँ? होली का त्योहार जैसे ही खत्म होगा मैं काम पर वापस आ जाऊंगा। वैसे भी मैं आपके यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ जमींदार का बेटा होली खेलने के लिए गया, तभी अचानक उसकी आंखों में रंग चला गया और वो वहीं गिर पड़ा और रोने लगा। वहीं पर मीनू खड़ी हुई थी और ये सब उसने देख लिया। वो एक बाल्टी में पानी भरकर लाई और उसके ऊपर डाल दिया, जिससे उसके बेटे की आंखों का रंग साफ हो गया। पर वो अभी भी बहुत तेज तेज रो रहा था, जिस पर जमींदार के आदमी उसे उठाकर घर ले आए और मीनू को भी घर पर ले आए। जब जमींदार ने अपने बेटे को इस तरह देखा तो उसने आदमियों से कहा, क्या हुआ? अब मेरा बेटा क्यों रो रहा है और ये आंखें बंद क्यों कर रहा है? क्योंकि मालिक, इनकी आंखों में रंग चला गया था, पर वो तो अच्छा हुआ इस बच्ची का जो इसने इस समय रहते इन पर पानी डाल दिया, जिससे रंग साफ हो गया। पर अभी भी मालिक आंखें नहीं खोल रहे हैं। आप इन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए। क्या? मेरे बेटे की आंखों में रंग चला गया? पर वो कौन है जिसने मेरे बेटे की जान बचाई? इस पर मीनू जमींदार के सामने आ जाती है। जब रामदीन मीनू को देखता है तो खुश होकर मीनू से कहता है, अरे बेटी तुम यहाँ पर? हाँ पिताजी, मैंने ही इनके बेटे की जान बचाई। ये सुनकर जमींदार को काफी हैरानी होती है और उसे अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस भी होती है, क्योंकि वो तो उसी के पिता को उसके काम के रुपए नहीं दे रहा था, पर आज उसकी बेटी ने ही उसके बेटे की जान बचाई। इस पर जमींदार ने रामदीन से कहा, मुझे माफ कर दो रामदीन, शायद मेरी करने की वजह से ही मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ। वो तो अच्छा हो तुम्हारी बेटी का जो उसने वक्त रहते अपनी होशियारी दिखाई। अरे मालिक, ये तो मेरी बेटी का फर्ज था। वैसे भी आपका बेटा हम सभी का बेटा है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है और मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी बेटी इतनी होशियार है और अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी अब होली अच्छी तरह मना पाओगे। और ये कहकर जमींदार कुछ रुपए लाता है और रामदीन को देते हुए कहता है, ये लो रामदीन, तुम्हारी मेहनत की कमाई, और ये कुछ रुपए ज्यादा है जो तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की जान बचाई है उसके लिए। नहीं नहीं मालिक, मुझे रुपए नहीं चाहिए, आप इन्हें रख लीजिए। अरे तुम ये समझ लेना कि मैंने तुम्हारी बेटी को इनाम दिया है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया है। ये सुनकर रामदीन और मीनू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं। वहीं जमींदार अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाता है। घर पर आने के बाद रामदीन अपनी बेटी के लिए पिचकारी और रंग लेकर आता है, साथ ही घर का सामान भी लाता है, जिससे मीनू और लाजो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। और फिर लाजो और मीनू मिलकर गुजिया बनाती हैं और फिर अगले दिन वो सब लोग गांव वालों के साथ मिलकर होली का दहन करते हैं।